हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल दैट इज गेट इट क्लियर। गाइस, जैसे कि आपको पता है कि आजकल जो है वो कोर्ट में 817 की और 556 दोनों ही पोस्ट कोड को जो है वो डिस्कस किया जाता है जब भी आपकी केस की हेयरिंग होती है। ठीक है, तो गाइस, आपको पता है कि हमें जो हेयरिंग की डेट है वो हमें जल्दी ही देखने को मिलती रहती है, कभी एक दिन बाद की मिल जाती है। और अभी गाइस, जब इसकी स्टार्टिंग की बात करूं मैं, तो यहाँ पर जब हमें सुना था कि इसके ऊपर जो केस हुए थे टोटल जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के ऊपर, तो वो 38 थे। ठीक है, अब जो है वो डे बाय डे जो है वो केस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। अभी पीछे सुनने में आया था कि 45+ केसेस जो हैं वो हो गए हैं, और अभी जो है वो 66 केसेस जो हैं वो हो चुके हैं। तो गाइस, यहाँ पर जो रिजल्ट में या फाइनल आउटकम जो है आपका केस की हेयरिंग का, उसमें देर इसीलिए हो रही है क्योंकि डे बाय डे जो है वो इसमें चीजें एड ऑन होती जा रही हैं। ठीक है गाइस, तो उसकी वजह से भी थोड़ा टाइम जो है वो लग रहा है। तो गाइस, मैं आपको ना इसके रिगार्डिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि यहाँ पर जो था वो 556 817 से कैसे रिलेट हुआ, और यहाँ पर टोटल वैकेंसी जो है वो कितनी देखने को मिली। और गाइस, ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि जो आपके डिग्री वाले हैं उनका पलड़ा जो है वो भारी चल रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि डिग्री वालों की जो है यहाँ पर जीत हो सकती है। जैसे कि आपको पता होगा कि अभी आपके जो हिमाचल में जो आपके जेई के जो रिजल्ट रिवाइज हुआ है पूरा का पूरा, जहां पर आपके डिग्री वालों को कंसीडर नहीं किया गया था पहले, और बाद में जो है कोर्ट गए और वहां पर उनको जो है वो फाइनली जीत मिली, और वहां पर डिग्री वालों को जो है वो कंसीडर किया गया, और आपको पता है कि उनकी पोस्टिंग भी क्या कर दी है विभाग वालों ने जारी कर दी है। तो उसी चीज को कंसिडर करके यहाँ पर पूरे के पूरे चांसेस बन रहे हैं कि आपका जो हायर डिग्री है वो यहाँ पर कंसिडर हो सकता है। ठीक है गाइस, तो हम जल्दी से देख लेते हैं कि अगर हायर डिग्री कंसीडर हुआ तो हमारा जो 817 है उसके पोस्टों के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है गाइस, गाइस, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर बात करूँ 19/12/2018 की। तो सबसे पहले यहाँ पर आपकी वैकेंसी जो निकली थी वो जनरली निकली थी आपकी यहाँ पर 727 की। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने इस फॉर्म को भरा था, ये भी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी की पोस्ट थी। ठीक है, और गाइस, यहाँ पर टोटल वैकेंसी जो थी वो 412 थी, 412 वैकेंसीज आपको देखने को मिली थी 727 में। फिर फाइनली जो है वो इसमें कुछ हो नहीं पाया, और आपको पता है कि आरएनपी रूल के रिगार्डिंग ही बहुत ज्यादा झगड़े चले आपके। ठीक है, कभी आपको पता है कि यहाँ पर बोला गया जो सोसाइटी वाले थे उन्होंने बहुत मांग उठाई कि भाई ये तो गलत बात है कि भाई हम हमारे डिप्लोमे क्यों नहीं कंसीडर हो रहे हैं। तो इस चीज को रिगार्डिंग जो थे वो सब लोग जो थे वो इस चीज से परेशान थे आरएनपी से। तो उसके रिगार्डिंग क्या किया, आपको पता है मिनिमम क्वालिफिकेशन उन्होंने डायरेक्ट +2 कर दी थी। ठीक है गाइज, यहाँ पर मैं देखूँ उसके बाद आपके यहाँ पर मैंने आपको बताया कि टोटल 412 वैकेंसी जो थी वो 727 में निकली थी, उसके बाद इसका कोई पेपर नहीं हुआ, और उसके बाद जो आपकी नई एडवर्टीजमेंट आई वो आई 21/9/2020 को। ठीक है गाइज, ये एडवर्टीजमेंट जब आई तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये था आपका पोस्ट कोड 817, और यहाँ पर लिखा भी गया था कि ये वाली पोस्टें जो है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी की है, और बोल के ये लिखा गया था यहाँ पर द कैंडिडेट हु हैड अप्लाई अर्लियर अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर ये, और जो पोस्ट कोड था 727 को, तो उनको जो है वो यहाँ पर अप्लाई करने की जरूरत नहीं है जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं। तो यहाँ से डायरेक्टली समझ में आ रहा है कि पीछे वाली पोस्टें भी या पोस्ट कोड भी जो था वो इसमें मर्ज हो चुका था। ठीक है, तो यहाँ पर जनरली हम देखे गाइस, तो यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसी जो थी वो यहाँ पर देखने को मिली थी, और फाइनली यहाँ पर आपको जो वैकेंसी देखने को मिली यहाँ पर वो थी 1160 वैकेंसी। ठीक है, फिर गाइस ये था आपको आपका 727+817। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं गाइस, यहाँ पर फिर से एक जो है वो एडेंडम यहाँ पर बोर्ड वालों ने निकाला था, और यहाँ पर उसमें लिखा गया था कि जो आपकी 596 वैकेंसीज हैं ये कहाँ पर एड ऑन हो रही है आपकी, वो एड ऑन की जाती है आपकी 817 में। यहाँ पर देखो लिखा गया है, एंड अब वैकेंसी जो है वो इंक्रीज होके कितनी हो गई है, 1756 वैकेंसी यहाँ पर हो चुकी है। ठीक है गाइस, अब गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो कि 817 का आपका रिटर्न एग्जामिनेशन हुआ मार्च में। ठीक है, 21 मार्च को जो था वो 817 का रिटर्न एग्जामिनेशन हुआ था, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि फाइनल रिजल्ट जो डिक्लेयर हुआ था आपका वो कितनी पोस्टों के लिए हुआ था गाइस, यहाँ पर हुआ था 1867 पोस्टों के लिए। ठीक है, इन इतनी पोस्टों के लिए आपका रिटर्न एग्जामिनेशन का रिजल्ट जो था वो डिक्लेयर किया गया था। तो अब यहाँ पर बात करें हम गाइस, तो
अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन करें 817 में कि कौन कौन सी पोस्ट है कहाँ को गई, तो जनरल अनरिजर्व 700, ईडब्ल्यूएस 261, जनरल डब्ल्यूएफएफ 24, ओबीसी अनरिजर्व 304, ओबीसी बीपीएल 62, ओबीसी डब्ल्यूएफएफ 6, एससी अनरिजर्व 353, एससी बीपीएल 54, एससी डब्ल्यूएफएफ 13, एससी वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन 1, एसटी अनरिजर्व 70, एसटी बीपीएल 18 और एसटी डब्ल्यूएफएफ 1। गाइस ये आपका जो था वो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन था पोस्ट का, जो आपके यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, अब गाइज यहाँ पर मैंने बात की है कि बिफोर केस, यहाँ पर वो था कि आपका केस कुछ नहीं हुआ था, आपकी नॉर्मल भर्ती जो थी वो चल रही थी। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहाँ पर हो गया है केस, जो मैंने आपको बताया कि 66 केस जो है वो इसके ऊपर होके रखे हैं और पलड़ा जो है वो वहां पर हाई डिग्री का भारी है। गाइस अगर इन केस वो केस जीत जाते हैं आपका, ठीक है, और ऐसे चांसेस फुल है उनके कि वो केस जीत भी जाएंगे, ठीक है, पर 99% चांसेस है, 1% चांसेस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आता 100% तो कोई कुछ नहीं बोलता। ठीक है, तो गाइज आप ये मान के चलिए कि जो हायर डिग्री होगी वो आपका इन हो जाएगा सारा का सारा, और वो लोग जो होंगे वो कहाँ ज्वाइन करेंगे आपके 556 पोस्ट कोड को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है उनको 2 साल का जो है वो बेनिफिट वहां पर देखने को मिलेगा। 1 साल जॉब करने के बाद वो क्या हो जाएंगे, वहां पर रेगुलर हो जाएंगे। ऐसा प्रोसीजर ऐसा हो सकता है और ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, अब ऑब्वियसली बात है उन्होंने 2 साल बाहर रहे और 2 साल उनकी जगह जो लोग लगे भी हैं, तो गाइस फिर बहुत सारा सेम पोस्ट कोड में ये सारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि रेगुलर में फिर प्रमोशन में, तो ये सारी चीजें जो हो जाती है वो हमें स्टार्टिंग में ही देखनी पड़ती है। तो इस चीज के लिए वहां पर मैं आपको एक पॉसिबिलिटी बता रही हूँ कि वो 556 को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब गाइस मैंने यहाँ पर आपको मैंने यहाँ बताया है कि अब बात करते हैं जब 556 का रिजल्ट आया। ठीक है, यहाँ पर मैंने बोली कि टोटल पोस्टें जो थी वो 1867 थी, जिसका आपको रिटर्न एग्जामिनेशन के टाइम जो रिजल्ट आया वहां पर बताया गया था, मैंने आपको बताया भी। और ये है गाइस ये 556 का जब रिजल्ट आया, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बोला गया है कि यहाँ पर 1156 पोस्टों में से 596 जो हैं पोस्टें हैं वो भर चुकी हैं, वो आर फिल्ड अप, एंड 560 पोस्टें जो हैं वो आपकी रिमेंड वेकेंट रह चुकी हैं ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबल कैंडिडेट्स। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर बोल के रखा है कि फर्दर आउट ऑफ 560 वेकेंट पोस्ट 8 पोस्टें जो है जनरल अनरिजर्व की और 2 जो है वो एस सी अनरिजर्व की वेकेंट रखी है, क्योंकि आपको ऑनरेबल एचपी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के डायरेक्शन के, ठीक है, आपको पता है कि कुछ तो इसके ऊपर चल ही रहे थे, तो उसकी वजह से जो था ये अलग से वेकेंट रख दी है उन्होंने। ठीक है, अब गाइज मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन जो किया है वो किया है कि अगर मान लो इफ फाइनल आउटकम ऑफ केस इज इन फेवर ऑफ हायर डिग्री, हायर डिग्री के फेवर में आ जाता है केस, तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट होंगी 817 की, वो आपकी 560 में से मतलब ये कम माइनस करनी पड़ेगी हमारे को, और पोस्टें कितनी रह जाएगी आपकी 1307 पोस्टें जो है वो रह जाएंगी। गाइज ये मैंने जो है वो जनरली आपको पता है कि सुनने में तो ऐसा आया है कि जो 556 की बची हुई पोस्टें हैं वो हमने एड ऑन कर दी हैं आपके बोर्ड वालों ने 817, बट यहाँ पर क्लियरली कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है, कि भाई आपकी सच में एड ऑन की है या कुछ है। ठीक है, जब तक आपको क्लियरली पता नहीं चलता आप कुछ नहीं बोल सकते, बट मैंने यहाँ पर ये कैलकुलेशन इस बेसिस पे की है क्योंकि आपको पता है 560 पोस्टें ही उसमें से बची हुई थी, तो मुझे वो ही पोस्टें क्या करनी पड़नी थी, माइनस करनी पड़नी थी, और मेरी पोस्टें कितनी बची हैं, 1307 पोस्टें बच चुकी है। मतलब अगर आपका रिजल्ट उनके फेवर में आया तो फाइनल जो होगा वो आपकी मेरिट जो होगी वो इन पोस्टों के आधार पर जाएगी, और कट ऑफ भी इन पोस्टों के आधार पर ही बनेगी। बट यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि 556 में से जो आपकी 560 पोस्टें बची थी उसमें से कौन सी कैटेगरी की कितनी कितनी पोस्टें बची गई थी, ठीक है, ये चीज भी बड़ा फर्क डालेगी। ठीक है, तो गाइस जनरल मैं कैटेगरी वाइज बात करूं तो यहाँ पर जनरल अनरिजर्व की 700 पोस्टें थी, 700 में से 170 वो थी आपकी जो आपकी 556 में बची हुई थी, तो मैंने 700 में से 170 माइनस किया, मतलब 530 पोस्टें जो है वो 817 में रिमेनिंग जनरल कैटेगरी के लिए बची जाएंगी अगर आपका रिजल्ट जो होता है वो ऐसे आता है हायर डिग्री के फेवर में। ठीक है, ये आपकी 817 की प्रेजेंट है और ये 170 की बची हुई है जो आपकी 556 के टाइम बची थी खाली। ठीक है, जनरल ईडब्ल्यूएस की अब बचेंगी 183, जनरल डब्ल्यूएफएफ की 10 बचेंगी, ओबीसी अनरिजर्व्ड आपकी 199 बचेंगी,
ओबीसी बीपीएल आपका 31 बचेगा, ओबीसी डब्ल्यू एफ एफ यहाँ पर 3 बचेगा। गाइस यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जनरल ईडब्ल्यू एस को जो है वो मैंने जनरल बीपीएल जो है वो कंसीडर किया है, क्योंकि आपको पता है कि उन लोगों को है वो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में डाल दिया गया है, तो मैंने वो वाली पोस्टिंग जो कर दी थी वो माइनस कर दी थी, क्योंकि जब आपका 556 निकला था तो वहां पर आपका जनरल बीपीएल ही था, ईडब्ल्यू एस नहीं था। ठीक है गाइस, ओबीसी डब्ल्यू एफ एफ की 3 बचेंगी, एससी अनरिजर्व की आपकी 242 बचेंगी, एससी बीपीएल की आपकी 45 और एससी डब्ल्यू एफ एफ 6। वो एससी वार्ड ऑफ एक्स सर्विस मैन यहाँ पर कोई पोस्ट नहीं बताई गई थी, तो मतलब जो आपकी 1 है तो 1 की 1 ही रहेगी। ठीक है, कोई इसमें चेंज नहीं होगा। एसटी अनरिजर्व 70 थी तो यहाँ पर वो माइनस होके 42 हो जाएगी। और यहाँ पर मैं बात करूँ आपकी एसटी बीपीएल, इसकी 18 है तो 18 में से -3 15, और एसटी डब्ल्यू एफ एफ 1 थी तो वो 1 आपकी 156 में बच गई थी, अगर वो आपने की हायर डिग्री को चली गई तो यहाँ पर 0 हो जाएगी। गाइस मैं ऐसा नहीं बोलती कि सारी की सारी, बट अब जो कोर्ट के ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग तो गाइस अगर रिमेनिंग बची हुई पोस्ट 556 की इसमें से काट ली जाए तो आपके पास यही जो है वो बचेगा फाइनल आउटकम हर कैटेगरी का। इतनी पोस्टों में से ही आपको फाइनल जो है वो कट ऑफ देखने को मिलेगी। ठीक है गाइस, गाइस मैं अगला वीडियो जो है वो आपके साथ कट ऑफ से रिलेटेड बनाऊंगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, गेट गेट इट क्लियर चैनल को क्या करना है गाइस, सब्सक्राइब करना है, ताकि मैं जब भी कट ऑफ का वीडियो जो है वो आपके लिए बनाऊं तो आपको एकदम से पता चल जाए कि हाँ कि फाइनल कट ऑफ जो है वो क्या जाने वाली है, अगर आपका हेयरिंग की आउटकम जो रही वो किसके फेवर में रही गाइस, हायर डिग्री के फेवर में रही। और गाइस ये ऐसा बहुत ज्यादा सुनने में आ रहा है कि हायर डिग्री को जो है वो यहाँ पर जीत मिल सकती है। ठीक है गाइस, तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, वो भी आपके एस्टिमेटेड कट ऑफ के साथ। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो गाइडेड क्लियर चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम।